नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। ऐसे तो बहुत सारे जन्म रोज होते हैं, बहुत सारे लोग धरती छोड़कर जाते हैं, लेकिन कुछ जन्म ऐसे होते हैं जो पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए एक मिसाल कायम करके ऐसी यादें अपनी छोड़ जाते हैं जिनको हमेशा हम याद करते रहते हैं, उनको धन्यवाद देते रहते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत का जन्म होता है 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भाभरा नामक गाँव में, जिनको आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद के नाम से। बहुत ही कम उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना इन्होंने शुरू किया, महान स्वतंत्रता सेनानी बने, पूरा जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था उस समय ये लोकेशन कहाँ पे थी। पंडित सीताराम तिवारी जी के ये बेटे थे। पहले ये उत्तर प्रदेश में रहा करते थे, लेकिन अकाल के कारण पंडित जी चले गए थे मध्य प्रदेश, और वहां पर झाबुआ जिले में जब वो रहने लगे वहीं पे जन्म होता है आजाद जी का। आजाद का जब जन्म होता है तो वहां पर आसपास आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, वहां भील बालकों के साथ ये खेलते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो वीरता है, इनके पास जो हुनर था, धनुष बाण चलाना, निशानेबाजी में जो महारत माना जाता है कि इनका निशाना बड़ा अच्छा था, अगर ये किसी के ऊपर बुलेट चला देते थे तो सीधे अचूक रूप से जाके उसी को लगती थी, तो ये उन्होंने वही अपने बचपन के परिवेश से सीखा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय चंद्रशेखर जी बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। 1921 में गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन किया तो अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल होने का इन्होंने फैसला लिया। चंद्रशेखर आजाद जी जो थे 15 साल के जब थे तो उन्हें एक केस में जज के सामने पेश किया गया। जज ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल है। और तभी से इनका नाम आजाद पड़ गया। आजाद उसके पहले इनको नहीं कहा जाता था। जज बड़ा गुस्सा हुआ, उसने कहा कि इस बच्चे को 15 कोड़ों की सजा दो, और इनको 15 कोड़े मारे गए। और इस घटना के बाद जब आजाद का रूप निखर कर आया तो वो जो संकल्प था, आजादी का संकल्प जो उन्होंने लिया था, पूरी जिंदगी वो निभाते रहे। और ये संकल्प ऐसा था कि अब हम देश को आजाद करा के छोड़ेंगे। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने सिर झुकाने से इनकार किया था, तो पूरे जीवन उसका पालन भी वो करते रहे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 की बात है, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा इसको गठित किया गया था, उसमें इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया। 1925 में आजाद ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ काकोरी कांड में सक्रिय रूप से भाग लिया, और इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। लाला लाजपत राय की जब मृत्यु होती है 1928 में, तो बदला लेने के लिए आजाद लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी एसपी सैंडर्स को गोली मार देते हैं और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेते हैं। इन घटनाओं के बाद आजाद ने अंग्रेजों के खजानों को लूटा, संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू किया जिससे कि सशक्त तौर पर क्रांतिकारी गतिविधियां चल पाए। काकोरी ट्रेन डकैती हो, लाहौर में सैंडर्स की हत्या हो, या लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला हो, ये सारी घटनाएं उस समय क्रांतिकारी घटनाएं थी, और उस समय इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सके, एक आग भड़का सके, एक चिंगारी भड़का सके, और ये काम आजाद जी ने किया था। आजाद जी हमेशा मानते थे कि स्वतंत्रता के लिए समर्पण जरूरी है, और आजाद ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। आजाद जी की लड़ाई के लिए हम उनके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, लेकिन उनका जो सिद्धांत था, उनका जो मानना था कि स्वतंत्रता हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको हम प्राप्त करा के ही तब दम लेंगे, तो उन्होंने इसको पूरा किया। तो इस तरीके से हमें भी जो भी संकल्प हमको लेना है, लेने के बाद में उसको ध्यान भी रखना चाहिए। इनकी जो विचारधारा थी वो क्रांतिकारी विचारधारा थी, अंग्रेजों से लड़ने के लिए सशस्त्र क्रांति की बात इन्होंने की थी, हिंसक और अहिंसक दोनों तरीकों का इस्तेमाल इन्होंने किया था, हमेशा लड़ते ही नहीं रहते थे, लेकिन इनको जाना जाता है हिंसक गतिविधियों के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। लेकिन बात वही है कि हमेशा प्यार से समझाने से ही बात कोई नहीं मानता है, तो हिंसा भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। जैसे कोई बच्चा ना मान रहा हो तो उसको अगर हल्का सा आप कई बार लगता है कि डांट देंगे या हल्की सी कोई टीप मार देंगे तो वो सुनने लगता है। और यहाँ पे तो अंग्रेज थे, अंग्रेज तो वैसे भी नहीं मानने वाले थे। चंद्रशेखर आजाद का मानना था कि अंग्रेजों द्वारा जो लूटा गया धन है वो हमारी संपत्ति, और भारतीयों का अगर धन है तो इसको वापस लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी जो डकैती थी उसको भी जस्टिफाई किया कि ये डकैती जो हम डाल रहे हैं
ये अपना ही धन तो हम ला रहे हैं, तो वास्तव में ये कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई डाका नहीं डाल रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय जो धन है, राष्ट्रीय संपत्ति है, इसी को लाने की काम हम कोशिश हम करते हैं और इसमें हम कामयाब होते हैं, तो उसमें ऐसा इसमें कोई बुरा काम ये नहीं है। अल्फ्रेड पार्क में जब आप देखेंगे तो अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा आपको मिलेगी। 27 फरवरी 1931 का दिन था, चंद्रशेखर आजाद जी प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अन्य साथियों के साथ बैठे योजना बना रहे थे। पुलिस वालों को खबर लग गई, अचानक पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया, कहा कि तुम लोग निकलो यहां से और हम लड़ेंगे इनसे। हमेशा पिस्टल उनके पास रहती थी, बहादुरी से उन्होंने सामना किया। 20 मिनट तक वो लड़ते रहे, पुलिस की गोलियां चलती रही, बुरी तरीके से वो घायल भी हो गए। उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कि कभी हम अंग्रेजों के सामने झुकेंगे नहीं, अपने पिस्टल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। उनका यह था कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं और हम किसी के हाथों नहीं मरेंगे, अपने हाथों वीरगति को प्राप्त करना ठीक है। तो ये जो शहादत, ये शहादत बहुत बड़ी शहादत, सभी अपने साथियों को बचा देना और खुद के अपने प्राणों को निछावर कर देना, आप देखेंगे वहीं पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। अंग्रेज जब वहां पे जिस पिस्तौल से उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी उसे अंग्रेज इंग्लैंड भी ले गए थे, बाद में भारत सरकार के प्रयासों से उसे वापस लाया गया और वह इलाहाबाद का जो संग्रहालय है वहां पर रखी हुई है। चंद्रशेखर आजाद जी हमेशा युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे और उनकी जो वीरता है, उनकी जो देशभक्ति है, उनकी जो बलिदान की गाथा है, वो आज भी हमको प्रेरित करती है। जो आजाद जी ने अपनी स्मृतियां छोड़ी हैं, जो अपनी यादें छोड़ी हैं, उससे हम प्रेरित होते रहते हैं। तो इनके ऊपर बहुत सारे साहित्य भी लिखे गए हैं, बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई हैं जिनको आप देख सकते हैं। लेकिन उनको देखिए तो उनसे प्रेरणा भी लीजिए और उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन में जो संकल्प लीजिए उसको पूरा करने की कोशिश भी करिए, क्योंकि इन विभूतियों से सबसे बड़ी जो बात हमको सीखने को मिलती है वो यही है कि ये लोग जो सोच लेते थे उसको करते थे, उसके लिए इनको कुछ भी भुगतान करना पड़े, चाहे अपने प्राणों की बाजी क्यों न लगानी पड़े, उसको करते थे। तो हमको जन्मदिन जब मनाना चाहिए या इन्हें याद करना चाहिए तो ऐसी बातों को भी याद करना चाहिए और ऐसे महापुरुष को, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को सत सत नमन है। जय हिंद, जय भारत।